नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों ये है सिटी फॉरेस्ट, ये गाज़ियाबाद में पड़ता है और मैं जो है कि अपने बच्चों के साथ जो है कि सिटी फॉरेस्ट घूमने के लिए गया। ये देखिए सिटी फॉरेस्ट का नज़ारा, बहुत ही बढ़िया जगह है ये। ये देखिए कितना हरा भरा जगह है बिल्कुल। पूरा सिटी फॉरेस्ट जो कि घूमने में कम से कम 1 घंटे समय लगता है, कम से कम जो कि 1 घंटा समय लगता है। अगर आप थोड़ा विस्तार से अगर घूमते हैं तो जितना बड़ा ये सिटी फॉरेस्ट है उसमें 2 घंटे लगता है। ये जो सिटी फॉरेस्ट है ये जो है कि गाज़ियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन इलाके में जो है कि पड़ता है और ये जो कि बहुत ही शांत जगह पर ये मतलब बनाया गया है। यहाँ पे आपको कहीं भी कोई भी ट्रैफिक का आवाज़ या किसी और शहरी आबादी का आवाज़ कुछ भी आवाज़ नहीं आएगा। हिंद नदी के जस्ट बगल में बनाया गया है, इसके दोनों इसके चारों तरफ से जो है कि बिल्कुल खुला हुआ एरिया है, कोई आबादी क्षेत्र नहीं है, जिस कारण से जो कि यहाँ बहुत ही शांत एरिया ये होता है और लोग जो है किसी कारण से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं ताकि मन को शांति भी मिले और मन बहलता है। और बहुत ही बड़ा सा ये मैदान है। ये तो दोस्तों यहाँ से जो है कि जो एयरपोर्ट है गाज़ियाबाद का मुझे कुछ वो बहुत नज़दीक है, मतलब कि किसी के पास में ही जो है बना हुआ है। और घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह यहाँ जो कि लोग गर्मी की छुट्टियों में भी बहुत आते हैं वो खाली आराम करने के लिए। वो ये जो बना हुआ है सिटी फॉरेस्ट बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है। इसका आप ये मैप जो देख रहे हैं आप, इस मैप में मालूम चलता है कि कितना बड़ा एरिया है। इसको पूरा घूमने में जो कि बहुत समय लगता है, करीब करीब 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं अगर आप घूमते हैं तो इतना जो कि संभव नहीं हो पाता क्योंकि चलते चलते आदमी ऐसे भी थक जाता है। तो मिनिमम जो है कि इसको घूमने के लिए 1 घंटा चाहिए। सारस उधर मिलेगा। हम बाबू यहाँ पे चढ़े थे ना। ये देखिए ये है रेस्टोरेंट वगैरह, रेस्टोरेंट है यहाँ पे। पर अभी बंद हो रखा है। 2 या 3 रेस्टोरेंट पड़ते हैं जब जो कि आप खाना खा सकते हैं। अगर जैसे कि भूख लगे चलते चलते चलिए उधर चलते हैं, यहाँ पे जो कि आप खा सकते हैं। आइसक्रीम वाइसक्रीम कुछ भी नहीं भाई, आइसक्रीम ये जो कि पहला रेस्टोरेंट था यहाँ पर। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरा भी रेस्टोरेंट जो कि आपको मिलेगा। और हम जो है कि अब आगे बढ़ रहे हैं। ये जो बनाया गया है सिटी फॉरेस्ट, ये यहाँ जो कि पहले खेत थे जो है वो देखो प्लांट मिला करके बनाया गया है। अभी भी यहाँ पर आपको जो कि खेती करते हुए जो है कि लोग मिलेंगे। चलो उधर चलते हैं। तो दोस्तों बने रहे व्लॉग में। बाबा थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, पैर बहुत ही उसके बाद लोग अभी जो कि रोमांचक होने वाला है क्योंकि आगे देखिए जो है कि बोटिंग की ओर हम लोग जा रहे हैं। आगे बोटिंग एरिया है तो वहाँ पे जो कि हम लोग बोटिंग करेंगे। हम थक गए हैं। अभी देखिए हम लोग सब बच्चे हम लोग सब जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये पूरा मैदान सा है, हम लोग जो है यहाँ पर सेल्फी वगैरह ले रहे हैं और बच्चे सब जो है कि एंजॉय कर रहे हैं पूरा। कितनी शांति है, पहले तो नहीं शांति थी अब हो गई है क्योंकि अब कोई नहीं आता क्योंकि अब बस जंगल होते हैं इसके वजह से नहीं आते ना, क्योंकि अब सब सारे तो बच्चे बड़े हो गए। देखो तो काम भाग रहा है, देखो इधर तो घूम। अरे बोटिंग किधर है? बोटिंग वाला उधर ही है ना।
और यहाँ देखिए अपना कहीं जगह जो कि बैठने का पॉइंट बना हुआ है, बैठ भी सकते हैं। ये देखिए बच्चे कैसे उछल कूद कर रहे हैं। यहाँ बच्चों के साथ आने में ही जो है कि मन लगता है, क्योंकि ये जगह ही वैसा है, पिकनिक एरिया है, बिल्कुल है। हाँ घूमना तो अगर आप यहाँ पे अकेले आते हैं तो आप बोर हो सकते हैं, इसलिए या तो कोई दोस्त हो साथ में या फिर बच्चे लोग हों तो सही रहेगा। किसान चला रहा है बैल के, बैल है, बैल गाय नहीं होता है। किसान खेत जोत रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये रख के दो जो है कि यहाँ बैल है, ये बैल को जो है लोग जो देखते हैं जब भी लोग आते हैं, लोग यहाँ पर जो है बहुत ही आकर्षक यहाँ पर दिखने में लगते हैं। देखिए किसान है साथ में, ये खेत जोतते हुए दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो जो भी लोग घूमने आते हैं तो भाई इन दोनों बैलों को जरूर देखते हैं। ये देखिए सब लोग यहाँ पर सेल्फी भी लेते हैं जो है। हम बहुत लगे हैं पर अब ये वैसे नहीं है जैसा था पहले, एकदम सुनसान ही है। ग्राउंड एरिया पूरा यहाँ पे सब घूम रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही यार के अच्छा फील यहाँ पर होता है। लोग अब यहाँ पे इतने घास नहीं है। हम लोगों के साथ खेल है क्या चीज है, बोटिंग वाला है। एक ही तो सीटी है यहाँ तो, वापस चलना है। ये देखिए यहाँ पे है नदी, बोटिंग एरिया, आगे चलेंगे तो मिलेगा हमें। देखिए आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा सा ये एरिया है, बोटिंग एरिया। वाह कितने प्यारे। इसमें जो है कि 60 रुपये प्रति व्यक्ति जो है कि ले जाता है पैसा जो है, तो इसमें आप एक बार में 4-5 जो है कि अपना लोग जो है कि बैठ सकते हैं बोटिंग में। और आपको जो है कि आधा घंटे का जो है कि समय मिलता है, और क्या है कितनी लंबी सी। आप चाहे तो पहले भी जो है कि बोट से अपना निकल सकते हैं, नहीं तो आप आधा घंटा तक जो है कम चलेंगे देखने के लिए बोटिंग कर सकते हैं। पापा हाँ। देखो वहाँ पे कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं। पापा देखो वहाँ पे कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं। देखो बोटिंग वाली घुमाना पड़ता है पैर। वो बोटिंग करेगा कितना पैसा लगेंगे ये बता। पैसा छोड़ना बोटिंग। हाँ करूँगा वहाँ पे और भी ले चलो भाई। लंबा तालाब है लेकिन अपने आप से घुमाना पड़ता है गाड़ी, तो बोटिंग जो है बैक भी करना पड़ता अपने आप से, बैक हो जाएगा। देखो सब तो चला ले रहा हम तो हम लोग जो है अभी यहाँ पर तो आप भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसा मतलब ये बोटिंग एरिया है। अभी मन बना रहा है कि हम लोग बोटिंग करने के बारे में, वहाँ से बोटिंग आ रही है देख, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत दिन के बाद आए थे तो बोटिंग करने में संकोच थोड़ा कर रहे थे। फिर जो कि बच्चों ने कहा कि बोटिंग करना करने का मन है हमारा, मगर ठीक है भाई बोटिंग करने मन है तो बोटिंग कर लेते हैं। वहाँ जो है ना पुराना किला, तो बच्चों का कहने पर ही जो है कि मैं जो है कि बोटिंग करने के लिए तैयार हुआ। इधर मेरा पैसा इरादा नहीं था बोटिंग करने का, बोटिंग ही करने के लिए ना मिलता तो खुद से वो मशीन के तरह चलता। तो
जो है ना वो क्या तेज नहीं भागता। ये देखिए शाम भी हो रही है, सूर्य भगवान दिखाई दे रहे सामने। तो थकेंगे तो रुक जाएंगे, चलेंगे, अंधेरा हो जाएगा यहीं पर। और एक नाव चल रही है देखिए सामने में, वो सब आगे चलेगा, अपना बोटिंग कर रहे हैं उधर से इधर से। देखो जल्दी तो आ गए, देखो ना उधर से आ गए, इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए। चलो मैं तो चल। इसमें जो है कि जब हम बोटिंग करते हैं जितना बड़ा एरिया है ये तो पैर जो बिल्कुल थक से जाते हैं, क्योंकि पैर से ही चलाना होता है बोट को जो है। तो इसमें कम से कम आपके साथ में दो तीन लोग और होने चाहिए, बारी बारी से चला सकें बोट को, वरना अगर आप अकेले चलाएंगे तो थक जाएंगे। और जल्दी ही जाए आप जो है कि बोट से फिर बोट को छोड़ देंगे, क्योंकि इसका एक चक्कर लगाने में ही जो है कि बहुत लंबा पड़ जाता है और पैर जो कि थक जाते हैं एक चक्कर पूरा लगाते लगाते ही। पहले कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए। हाय इधर देखो, ये देखिए यहाँ नाव है, पीले रंग के, लाल रंग के नाव है और नीले रंग के भी हैं। देखो हम तो नाव पर चढ़ गए हैं, हम चल रहे हैं धीरे धीरे। अब हम लोग जो कि नाव पे बैठ चुके हैं, हम सब है बोट पे, पोल पे गिरा दो। देखिए हम लोग बोटिंग कर रहे हैं अब और बोटिंग का अपना पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ मैं बैठा हूँ और हम चल रहे हैं। ये देखिए हम लोग पूरा जो कि एंजॉय कर रहे थे बोटिंग को, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद ही जो कि बोटिंग हम लोग कर रहे थे। उस पर चलो लॉक हो जाओगे। इसमें जितनी देर चाहो उतनी देर घूम सकते हो। हाँ। पापा? हाँ। पापा इसमें जितनी चाहे वाह पापा यहाँ पे गाड़ी चलाने का भी देखा। तो देखिए दोस्तों ये है, जल्दी चलो पापा भी ठंडा लग रहा है। अब हम लोग जो वापस जो कि जा रहे हैं, नहीं आए तो और मुझे ठंडी नहीं लग रही, क्यों वो तो टी शर्ट पहन के आया है। चल शॉर्टकट से चलते, इधर तो सब तोड़ रही है पापा, शॉर्टकट से चलते इधर से उधर जाए, इधर से चले कहाँ। वाह मोर पहली बार देख रही हूँ। और
अरे लाइट तो लगा है बाबा, देखो वो धूप से चार्ज होता है। शॉर्टकट से चलते हैं। ओ भाई शॉर्टकट से चलते हैं। हाय जंगल से चलते हैं, जंगल भी तो आए हैं भाई। देखो जंगल में है ये सब हरियाली, चिड़िया चिल्ला रही है चू चू करके। हम यहीं पे आए थे पर अब यहाँ पे तो दोपहर थोड़ी ना। बंद कर पौध मार देकर पौध यानी कि ये वो देखो सरसों का पेड़ है, देखो पौधा सरसों का, इसमें सरसों उगता है। देखो देखो फूल हो रहा है ना, फूल हाँ सरसों होता है। देखो कितना प्यारा प्यारा है ना तुम सरसों का है ना। इसमें जो फूल होता है ना इसी में फिर बीज बनते हैं, वही सरसों हो जाता है, सरसों बीज ही सरसों होता है। चलो पापा किसे टिप देना है? ये वाला पाउच, ये दबा दो ना पाउच वाला, दबाइयो रुक जाएगा। ले ये देखो हमें कुछ जानवर मिले हैं, है तो इंसान पर चल रहे कैसे घोड़ों की तरह। ये भाई यहाँ से चढ़े पापा एक बार, बुरा सा नहीं इधर चलो चढ़ो, चढ़ नहीं सकती क्या? चलो हम चल रहे हैं यहाँ से, कितने प्यारे हैं।